नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, बीएमएस सेकंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, विषय में महारस के बारे में अध्ययन चल रहा था। महारस में मैं अभी तक कई महारस पढ़ा चुका हूँ। अब इस अध्याय में चपल विस्मित नाम के महारस का वर्णन करने जा रहा हूँ। चपल, चपल जो है एक प्रकार का महारस है। इसका वर्णन यह है, चपल एक अति संदिग्ध द्रव्य है। इसको क्या है? संदिग्ध द्रव्य माना गया है। ये संदिग्ध द्रव्य है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। संदिग्ध द्रव्य में माना गया है इसको, ठीक है। यह आज चपल आजकल विस्मित है। यह विशुद्ध तात्विक धातु है। यह विशुद्ध तात्विक धातु है, इसका शोधन करना तो समझ में आता है, किंतु रसत्न समझ कार्य ने इसका सत्योपासन करने को कहा है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में चप्पल आज का विस्मित नहीं है, इसलिए इसको बड़ा संदिग्ध माना गया है। अतः विस्मित की खनिज का सत्योपासन करके विस्मित को प्राप्त करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि चप्पल विशुद्ध रूप से विस्मित धातु न होकर उसके खनिज है। यह एक कल्पना मात्र है, वास्तविकता क्या है ये खोज का विषय है। ये पूर्ण रूप से एक तरह से इसीलिए इसको एक संदिग्ध द्रव्य माना गया है। इसका विशेष उपयोग धातुवाद में होता है। चप्पल चिकित्सा की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयोगी है। चिकित्सा में चप्पल का किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसका सिर्फ उपयोग धातुवाद में होता है। यदि चप्पल के अनेक गुण दिए गए हैं तथापि चिकित्सा में ये अनुपयोगी है। गुण दिए गए हैं लेकिन चिकित्सा में बिल्कुल अनुपयोगी है। इसके प्राय पारद बंधकृत एवं सभी गुण पारद के सहायक रूप में हैं। पारद का बंधन करने वाले हैं और पारद के सहायक रूप में इसका वर्णन किया गया है। बाकी और कोई इसके लाभ नहीं है। अतः विस्मित का विशेष कोई शोधन आदि वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से ये विस्मित जो है इसको संदिग्ध द्रव माना गया है। इतना ही वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं विस्मित के बाद में रसक नाम के महारस का वर्णन करने जा रहा हूँ। रसक, ये रसक अंतिम महारस है। इसमें इसका संस्कृत नाम रसक है, हिंदी नाम खपरिया है, अंग्रेजी में जिंक कॉपराइट कार्बोनेट कहते हैं। सूत्र JnCO3 है। इसका पर्याय खरपर, रसक, रीतिकृत, यशद कारण, नेत्र रोगारी, ताम्ररंजक, ये इसके सबके पर्याय हैं रसक के। यद्यपि आयुर्वेदिक संहिताओं में रसक और खरपर नाम से उल्लेख नहीं है, तथापि संहिताओं में कांस्य, पीतल, मिश्र लोहों का वर्णन मिलता है। पीतल बनाने में यशद की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिघले हुए ताम्र में खरपर सत्व डालकर पीतल बनाया जाता है। इसी 8वीं सदी में खरपर सत्व प्रचलित था, किंतु भारत में मुसलमानों के आक्रमण के बाद अरबी शब्द जस्ता का अनुकरण करके यशद शब्द बन गया। तब से आज तक यशद औषधि रूप में प्रयुक्त होता चला आ रहा है। यशद को सर्वप्रथम संघ संहिता में टीकाकार ने उद्धृत किया है। यशद ये रसक का ही पर्याय है, अतः इसको उसी को रसद रसक ही माने। उपस्थिति, खरपर खनिज से सत्व रूप में यशद धातु मिलती है। यह खनिज के कई प्रकार के, किंतु जिंक कार्बोनेट ही खरपर है। आधुनिक शास्त्र में खरपर के दो भेद बताए गए हैं। पहला है कैलोमाइन, दूसरा है स्मिथ सोनाइट। इन दोनों से मिलता है, इसमें 40% जिंक मिलता है, इसी को खरपर मानना चाहिए। रसक के भेद, रस शास्त्र में खरपर भेद क्रम से दो प्रकार का है, एक तो मृतिकाव और एक गुड़ाव, एक पाषाणा भी माना गया है। तो मृतिकाव पांडुवर्ण का मिट्टी जैसा होता है,
उत्तम माना गया है, गुड़ाभ गुड़ जैसा है, मध्यम माना गया है, पाषाणाभ पत्थर जैसा है और ये अधम माना गया है। सबसे मृत्तिकाभ को सबसे उत्तम माना है, इसका पांडुवर्ण और मिट्टी की जैसी आकृति इसकी होती है, ये उत्तम माना गया है। किंतु दूसरी परंपरा में खरपर के दो भेद हैं, एक तो दर्दुर और एक कारवेलक। दर्दुर और कारवेलक, दर्दुर सत्वपादन के लिए और कारवेलक औषधि के लिए उपयोगी है। दर्दुर जो भेद है वो सत्वपादन करने के लिए है और कारवेलक जो है औषधि के लिए उपयोगी माना गया है। ग्राही लक्षण कौन कौन से हैं रसक के? रसक के दो भेद बताए जाते हैं आचार्यों ने। दर्दुर रसक में दल या परत होती है और कारवेलक रसक निर्दल अर्थात परत विहीन पिंड जैसा, करेला फल जैसा पीठ के उभार युक्त होता है। दर्दुर रसक का पृष्ठभाग समतल मेंढक जैसा होता है। दर्दुर को अर्थ मेंढक भी होता है, इसलिए इसको दर्दुर रूप में कहा गया है। प्राप्ति स्थान अमेरिका, वर्मा, रूस, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु आदि में ही अल्प मात्रा में मिलता है। झारखंड, पंजाब, राजस्थान प्रदेशों में मिलता है, किंतु भारतीय खनिज में यह अल्प मात्रा में मिलता है। भौतिक गुण इसके क्या हैं? रसक खनिज पांडुवर्ण मिट्टी जैसा होता है जो आसानी से पीसा जाता है। रसक का उपयोग क्या है? रसद धातु प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। रसद धातु प्राप्त करने उपयोगी है। दूसरा, औषध रूप में रसक का प्रयोग होता है। अब अशुद्ध रक्त के सेवन से क्या हानि है इसके बारे में बताया जा रहे हैं कि अशुद्ध खरपर सेवन करने से विशेष करके वमन और भ्रमदोष उत्पन्न होते हैं, मतलब व्यक्ति को वमन होगा और भ्रमदोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अतः सावधानी पूर्वक इसको शोधन करके ही प्रयोग करना चाहिए। खरपर का शोधन कैसे करते हैं, रसक का शोधन कैसे करते हैं? खरपर के टुकड़े को आग में तपाकर नींबू स्वरस, मनुष्य के मूत्र, घोड़ा के मूत्र, अश्व के मूत्र, तक्र और कांजी, इनमें से किसी एक द्रव में 7 बार बजाने से रसक शुद्ध हो जाता है। इनमें से किसी में भी 1 बार बजाने से रसक, 7 बार बजाने से रसक शुद्ध हो जाता है। इन मतलब किसी भी एक द्रव में, जिसमें कौन कौन से हो गए, पहला मनुष्य का मूत्र, दूसरा अश्व का मूत्र, कांजी है और नींबू स्वरस है, इनमें से किसी में से भी 1 बार 7 बार भुजाएंगे तो रसक शुद्ध हो जाएगा। अथवा खरपर को सूक्ष्म चूर्ण कर लें। थाली यंत्र में कटुतुम्बी स्वरस चतुर्गुण डालकर दर्वी यानी चम्मच चलाते रहें और 3 प्रहर तक पाक करें। ऐसा करने पर सभी दोषों से निर्मुक्त पीतवर्ण का खरपर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। अथवा खरपर को अच्छी तरह कूट कर चूर्ण कर लें। चूर्ण करते समय कंकड़ पत्थर आदि निकाल लें, उसे पृथक कर लें, बाद में नींबू स्वरस की 7 भावना दें। ऐसा करने से खरपर विशुद्ध पीतवर्ण का होगा और सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा। ये खरपर शुद्ध होने का कारण। अब खरपर के मारण यानी खरपर की भस्म कैसे करते हैं उसकी विधि बताई गई है। शुद्ध खरपर चूर्ण 500 ग्राम लें, शुद्ध पार्थ 500 ग्राम लें और दोनों को खरल कर दृढ़ मर्दन करें। दृढ़ यानी बहुत ही उसका दृढ़ मर्दन का मतलब नहीं है, भारी मर्दन करें और घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर 5-6 बड़े बड़े गोले बना लें। ठीक है, बिना 5-6 बड़े बड़े गोले बना लें और धूप में सुखाकर बालू का यंत्र में 1 दिन तक मृदु मध्य और तीक्ष्ण अग्नि द्वारा पकाएं। बालू का यंत्र में गोला बना करके और मृदु मध्य और तीक्ष्ण अग्नि द्वारा पकाएं उसको। स्वांग सिद्ध होने पर गोले को निकाल कर खरल में खूब मर्दन करें और लाल वर्ण की सुंदर भस्म होगी, इसे शीशी में भरकर इसका प्रयोग करें। दूसरा इसका मारण विधि है, शुद्ध खरपर को चूर्ण कर घृतकुमारी या नींबू स्वरस की भावना देकर 2 दिनों तक खूब मर्दन करें। पुनः गोला बनाकर धूप में सुखा लें और मृदु मध्य और तीव्र अग्नि 1 दिन पर्यंत लवण यंत्र में पाक कर करें। इसका पुनः इसमें इसका लवण यंत्र में पाक करें, लाल वर्ण की भस्म होगी, इसको प्रयोग में लावें। इस प्रकार से इसको प्रयोग में आप कर सकते हैं। तो आपको 2 प्रकार की विधि बताइए खरपर सत्व की, दोनों ही विधियों से आपको खरपर का सत्व बनाया जा सकता है। खरपर के गुण क्या हैं, खरपर सत्व के गुण क्या हैं भस्म के? लेखन, ये लेखन है, लेखन मतलब खुरचने का गुण उसमें होता है,
किसी भी जगह लेखन कार्य करो, लेखन करना है। भेदन, किसी फोड़े पंछी को फोड़ना, ये भेदन कहलाता है। चक्षुष, आँखों के लिए हितकर, मतलब आँखों की ज्योति के लिए हितकर हो, उसे चक्षुष कहते हैं। शीत, शीत है, शरीर में शीतल गुण लाता है। कषाय, कटु कषाय है, कषाय रस वाला है, कटु रसाय वाला है। लघु यानी पचने में बहुत हल्का है। सभी प्रकार के प्रमेह नाशक है, सभी प्रकार के जो प्रमेह है उनको नष्ट करने वाला है। कफ पित्त नाशक है, नेत्र रोग नाशक है, क्षय विष और कुष्ठ नाशक है। ये सारे खरपर सत्व, खरपर भस्म के गुण हैं। लोह एम पारा को रंगने वाला है, लोह एम पारा को रंगता है। नागार्जुन का ऐसा विचार है कि रस और रसक दोनों देह लोह की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम है। मतलब ये देह और लोह दोनों की सिद्धि, मतलब दोनों के लिए गुणकारी है, लोह को भी रंगता है और देह को भी परिपुष्ट करता है, दोनों के लिए अति उत्तम माना गया है। खरपर भस्म विकार शांति उपाय, मान लो खरपर सेवन, खरपर भस्म का सेवन करते करने से या शुद्ध सेवन करने से, या खरपर भस्म अच्छी नहीं बनी हो तो उसके सेवन करने से मान लो कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उस विकार की किस प्रकार शांति होगी वो इसमें आगे बताया गया है कि खरपर सेवन से यदि पूर्वोक्त में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो एक सप्ताह तक 5-5 तोले गोमूत्र पीवें, 5-5 तोले एक सप्ताह कर गोमूत्र पीवें, इससे खरपर से होने वाले विकार शांत हो जाएंगे। मात्र गोमूत्र को 5-5 तोले पीवें, कितने दिन, एक सप्ताह तक लगातार, तो खरपर से होने वाले दोष जो होंगे उनका समापन हो जाएगा। और खरपर का सत्वपातन कैसे करेंगे, शुद्ध खरपर 1 किलो लाक्षा चूर्ण, गुड़, राई चूर्ण, हरितकी चूर्ण, हल्दी चूर्ण, सर्जर चूर्ण, सर्जरस चूर्ण और टंकण प्रत्येक 1-1 किलो लेकर बड़ी हांडी में रखें और 8 किलो दूध एवं 1 किलो गोघृत मिलाकर पाक करें। 8 किलो दूध मिलाएं, 1 किलो गोघृत पाक करें। पुनः वृंताक मूसा में रखकर दमन करें। वृंताक यानी वृंताक बैंगन को बोलते हैं, बैंगन जैसी मूसा हो, मूसा दृढ़ अग्नि को पचाने में सक्षम होती है, इसलिए मूसा में रखकर ही सत्वपातन किया जाता है। धमन, उसका धमन यानी उसको मूसा में रखकर उसको धमन यानी अब तीव्र अग्नि से धोंकनी से धमन करें उसको। जब पिघल जाए तो संडासी से मूसा पकड़कर ढालन पट लोह निर्मित एक पटल दें। खरपर का सत्व मंग की तरह यशद धातु की तरह निकलता है। खरपर सत्व की भस्म यदि यशद भस्म प्रकरण में देखें उसी प्रकार से इसका भी निर्माण किया जा सकता है। खरपर कढ़ाई में डालकर तीव्र अग्नि में पिघलाएं, यशद सोडांश शुद्ध हड़ताल लेकर पिघलें, वे खरपर सत्व में थोड़ा थोड़ा प्रक्षेप देकर दरवी से मर्दन करते रहें। ऐसा करने से संपूर्ण खरपर सत्व का कृष्णवर्ण का महीन चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद संपूर्ण चूर्ण को इकट्ठा करके मिट्टी के सराव से ढक दें और दृढ़ाग्नि दें। स्वांगसित होने पर निकालकर प्रयोग करें। उक्त भस्म में घृत कुमारीश्वरस, इस भस्म में क्या है, घृत कुमारीश्वरस की भावना देकर टिकिया बनावें, सुखाकर कुक्कुट पुटुक में पाक करें। ऐसा ही 4 फुट और दें तो इसकी सुंदर भस्म तैयार हो जाएगी, जिसका वर्ण कैसा होगा, जिसका वर्ण राख जैसा, यानी बिल्कुल राख होती है उस तरह का, उसका वर्ण भस्म हो जाएगा। यशद के गुण खरपर के गुण के समान, खरपर सत्व के गुण हैं, यशद के गुण ही खरपर सत्व के गुण हैं। सभी प्रकार के प्रमेह में नाशक है, मतलब सभी प्रकार के प्रमेह को नाशक है। शुक्रल है, शुक्रल का मतलब शुक्र को बढ़ाने वाली है, शुक्र को बढ़ाने वाली और शुक्र को लाने वाली, शुक्रल का मतलब शुक्र को बढ़ाएगी और शुक्र को, शुक्र का निश्चेतन करेगी यानी शुक्र को प्रवर्तन करेगी। वृष्य है, वाजीकरण है, बल्य है यानी बलशाली है, वाजीकरण है। मूत्र विकार नाशक है, मूत्र संबंधी इतने विकार हैं सबको नष्ट करने वाली है। प्रदर, स्त्रियों में होने वाले प्रदर रोग को नष्ट करने वाली है, जिसे श्वेत पानी भी गिरना कहते हैं, उसको ठीक करने वाली है। सोम रोग आदि नाशक है। सोम रोग भी यही इसी प्रकार का होता है, सोम रोग और प्रदर में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, स्त्रियों को होने वाला सोम रोग है, इसको भी नष्ट करता है। अब रसक से उत्पन्न होने वाले कुछ विभिन्न प्रकार के योग हैं, उन योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रसक कस्तूरी भैरव रस है, क्षय केश रसिरी रस है, चिंतामणि रस है, नवग्रह रस है, प्रताप तप नो रस है, प्रद्रांतक रस है, महाज्वरांकुश रस है,
लक्ष्मी विलास रस है, वसंत मालती रस है, वैद्यनाथ वटी है, सर्व रोग रस है, सूतिका रस है, सोमनाथ रस है। इस प्रकार से ये रसक से उत्पन्न, रसक से बनने वाले कई प्रकार के आचार्यों ने बनाए हुए रसक ये है। इस प्रकार से ये रसक से होने वाली औषधियों का आपको बता दिया है। अब इस अध्याय के साथ ही महारस वर्ग का वर्णन संपूर्ण होता है। अब आप सभी छात्र लोग महारस में जो द्रव्य बताए गए हैं उन सभी द्रव्यों अभ्रक वैक्रांत मार्गशीर्ष विमल शस्यक वगैरह इन सब रसक वगैरह इन सब द्रव्यों को याद करें और याद करके महारस वर्ग इस प्रकार से आपका संपूर्ण हो गया है। अब आपको अगले अध्याय में मैं उपरस का अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।